बाल भारती स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं बाल भारती पब्लिक इंटर कॉलेज की डिजिटल क्लासरूम और यह है आपकी अपनी डॉन एकेडमी, जिसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और क्लास 3 की साइंस और आप पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, मतलब कि जानवरों के खाने पीने की हैबिट्स क्या होती हैं। ठीक है, इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पहला पॉइंट कीवर्ड्स क्या हैं। तो कीवर्ड्स देख लेते हैं। कीवर्ड्स ये हैं कि फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, मतलब जानवरों के खाने की आदतों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फूड चेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब ये देखिए कितनी प्यारी फ़ोटो बनी हुई है। इसमें जिया जो बेटी का नाम है और मॉम, तो जिया और मॉम आपस में बातें कर रहे हैं। देखते हैं कि जिया और मॉम आपस में क्या बात कर रहे हैं। लुक मॉम, आई हैव गिवन फ्रूट सैलड टू टॉमी फॉर लंच टुडे बट ही इज़ नॉट ईटिंग इट ऑल। जिया बड़े प्यार से अपनी मम्मी से, मासूमियत से कह रही हैं कि मम्मी, आज लंच में मैंने टॉमी को खाने के लिए फ्रूट सैलड दिया, फ्रूट्स दिए, लेकिन टॉमी नहीं खा रहे हैं। अब देखिए मम्मा क्या कहती हैं। मम्मा सेज दैट जिया, डॉग्स डू नॉट ईट फ्रूट सैलड, इट इज़ नॉट देयर टाइप ऑफ फूड। मम्मी ने जिया को समझाते हुए कहा कि बेटे जिया, डॉग्स जो हैं वो फ्रूट सैलड नहीं खाते हैं, ये वो खाना नहीं है जो वो पसंद करें या जो उनका खाना हो। गो एंड गिव सैलड टू द काऊ इन द फील्ड, ये जो सैलड है ये आप लेके जाओ और काउज़ को डालो जो कि फील्ड में हैं। शी विल लव टू हैव इट, और काऊ जो है वो बहुत प्यार से, बहुत मज़े ले लेके खाएगी। ओके, इट इज़ हर टाइप ऑफ फूड, ये उसकी तरह का फूड है। ओके चिल्ड्रन, तो इतना हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जिया गलत इंसान को गलत चीज़, गलत जानवर को गलत चीज़ खिला रही थी। डॉग्स जो है फ्रूट्स नहीं खाते हैं, जबकि काऊ क्योंकि हर्बीवोरस होती हैं इसीलिए वो फ्रूट्स खाना पसंद करती हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स मूव ऑन। आई थिंक टिल हियर यू हैव अंडरस्टूड, है ना। अब आगे देख लेते हैं कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, हेल्प द लिटिल पपी। इसमें देखिए एक लिटिल पपी बना हुआ है और ये रहा आपका लिटिल पपी। इस लिटिल पपी को इस बोन तक पहुँचना है, तो हेल्प द लिटिल पपी टू रीच द बोन। आप कैसे जाएंगे? देखिए चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। अगर हम इस तरफ मुड़ेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर रास्ता नहीं है, इसीलिए हमें कहाँ जाना है, हमें इस तरफ से जाना पड़ेगा। ओके, तो लेट्स मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन। आई कैन सी द वे, मुझे रास्ता दिख रहा है। अगर हम यहाँ जाते हैं तो आगे रास्ता नहीं है, तो लेट्स नॉट गो ऑन दैट वे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते चलते हैं, बढ़ते चलते हैं। और ये गए हम इस तरीके से, ऐसे ऐसे और ऐसे, बस पहुँचने ही वाले हैं और हम पहुँच गए। ओके चिल्ड्रन, तो वी हैव फाइंड द वे, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट द टॉपिक। ओके, नाउ सी, फूड इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, मतलब फूड जो होता है वो बेसिक ज़रूरत है किसकी, लाइफ की। हमें जो है बिना फूड के ज़िंदगी जीना मुश्किल है, नामुमकिन है, नहीं जी सकता। बिना फूड के तो इंसान सिर्फ मर ही सकता है और एनिमल्स भी मर ही सकते हैं। ठीक है, वी नीड फूड फॉर लाइफ, हमें फूड की ज़रूरत किस लिए होती है, हमें फूड की ज़रूरत होती है लाइफ बनाने, लाइफ जीने के लिए। ठीक, इट गिव्स अस एनर्जी, ये क्या देता है हमें, ये हमें देता है एनर्जी। फूड हमें एनर्जी देता है किस लिए, वर्क करने के लिए एंड प्ले, काम के लिए और खेलने के लिए। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस होती है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, और फोटोसिंथेसिस में
कुछ चीज़ों की ज़रूरत प्लांट्स को होती है, जैसे कि सनलाइट, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि क्लोरोफिल एंड वाटर। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो प्लांट्स क्या कर सकते हैं, प्लांट्स खाना बना सकते हैं, ठीक। और इन सब इसी प्रोसेस को बोलते हैं, जिससे जिस प्रोसेस से फूड फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स के नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, एनिमल अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। भाई आपने कभी किसी एनिमल का किचन देखा है? नहीं, है ना। बल्कि या तो अगर वो पेट एनिमल्स हैं तो हमें उन्हें खाना देना होता है, अगर वो पेट नहीं हैं तो वो खुद अपना खाना ढूंढते हैं, ठीक है। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। एनिमल्स बेसिकली फूड रिक्वायरमेंट के लिए, अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। दूसरों का मतलब है या तो वो प्लांट से खाना लेंगे, या फिर अगर वो किसी के घर में पले हुए हैं तो उनसे लेंगे, अदरवाइज कहीं ना कहीं जो खाना डला हुआ हो, कहीं रखा हुआ हो, या पेड़ लगे हैं तो वहीं से खा लेंगे, ठीक। इसके बाद देखिए, फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। फीडिंग हैबिट्स, फीड करने का मतलब ये होता है खाने की आदतें। तो हम यहाँ बात करेंगे कि कौन से जानवर में किस तरह की ईटिंग हैबिट्स होती हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडिंग हैबिट्स। अलग अलग तरीके के जानवर होते हैं, आपने देखा होगा शेर, चीता, भालू, लोमड़ी, बंदर, सांप, बिच्छू, तो ये सब अलग अलग जानवर हैं। इन सारे जानवरों की, इन सारे एनिमल्स की फीडिंग हैबिट्स, खाने की जो आदतें हैं, वो अलग अलग होती हैं, ठीक। हर्बीवोरस आर द एनिमल्स, हर्बीवोरस आर द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हर्बीवोरस वह जानवर होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स, फ्रूट्स या वेजिटेबल ही खाते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है हर्बीवोरस के? तो एग्जाम्पल हैं काऊ, बफेलो, गोट। भाई आपके घरों में आपने काऊ देखी होगी, घरों में नहीं तो आसपास नॉर्मली काऊ यूं ही आपको दिख जाएगी। तो काऊ का खाना पीना बताना मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत होगी जानने की, क्योंकि काऊ बिल्कुल नॉर्मली जो आप वेजिटेबल्स दे दो उसे, वो सारे खा लेती है। हरी घास खा लेती है, प्लांट्स की लीव खा लेती है। तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं जो ये सब खाते हैं, उनको हम बोलते हैं हर्बीवोरस एनिमल, ठीक। इसके बाद आ जाइए कार्निवोरस। तो कार्निवोरस आर द एनिमल्स विच ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। फ्लैश का मतलब क्या होता है? गोश्त, ठीक। तो वह एनिमल जो दूसरे एनिमल्स के का गोश्त खाते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। क्या बोलते हैं हम? कार्निवोरस एनिमल्स। एग्जांपल है लायन, टाइगर, वुल्फ, क्रोकोडाइल, लेपर्ड एक्सेट्रा। तो एग्जांपल क्या क्या है इसके? लायन, आपने सुना होगा कि शेर कभी घास नहीं खाता है ना, तो ये वही वाली बात है कि शेर जो है वो दूसरे छोटे जानवरों को खाता है। टाइगर है, यह भी दूसरे जानवरों को खाता है। वुल्फ है, क्रोकोडाइल है, लेपर्ड है। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? ये सारे के सारे आते हैं कार्निवोरस एनिमल्स में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओमनीवोरस। ओमनीवोरस आर द एनिमल्स, आगे देखते हैं कि ओमनीवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं। तो ओमनीवोरस आर द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। तो ओमनीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि दोनों, ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स का मतलब है कि दूसरे जानवरों के, दूसरे मतलब जानवरों को भी खा सकते हैं और साथ में प्लांट्स को भी खा सकते हैं। मतलब ये टू इन वन होते हैं। अगर इनको हरी चीज़ें मिल जाए, प्लांट्स मिल जाए, तो ये प्लांट से भी अपना पेट भर सकते हैं, और अगर फ्लैश मिल जाए तो उससे भी दावत बना सकते हैं, ठीक है। तो ओमनीवोरस दे आर बेसिकली दोज एनिमल्स विच कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है बियर, क्रो एंड मैन एक्सेट्रा। भाई आपने देखा होगा जो कौवा होता है ना, तो कौवा जो है पत्ती भी खा सकता है, प्लांट्स की लीव्स भी कुछ हद तक खा सकता है, और साथ में नॉन वेजिटेरियन फूड भी, फ्लैश भी खा सकता है। इसके बाद देखिए स्क्रेवेंजर्स। स्क्रेवेंजर्स आर द एनिमल्स विच ईट द फ्लैश ऑफ डेड एंड डीकिंग एनिमल्स। तो स्क्रेवेंजर्स वो एनिमल्स होते हैं जो मरे हुए जानवरों पर, जो सड़ रहे हैं जानवर, उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो स्क्रेवेंजर्स वो एनिमल्स हैं जो कि फ्लैश ईट
ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स एंड डीकेइंग एनिमल्स, ये आपको याद रखना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है वल्चर, फॉक्स, हाइना, जेकाल। तो ये चार एग्जाम्पल्स हैं, वल्चर, फॉक्स, हाइना एंड जेकाल। दे आर बेसिकली स्क्रेवेंजर्स, एंड स्क्रेवेंजर्स आर दोज एनिमल्स विच बेसिकली डिपेंड्स ऑन फ्लैश ऑफ डेड एंड डीकेइंग एनिमल्स। जो सड़ गल रहे हों एनिमल, या तो वो इनको खा के पेट भर लेते हैं, या फिर जैसे ही मरा हुआ जानवर है उसका फ्लैश खा लेते हैं। ठीक है, दे कीप आर इन्वायरमेंट क्लीन बाय ईटिंग अप द डेड रिमेन्स ऑफ अदर एनिमल्स। देखिए, स्क्रेवेंजर्स को एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि दे आर द क्लीनर ऑफ एनवायरनमेंट। ये हमारे एनवायरनमेंट को साफ सुथरा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं साफ सुथरा? ये ऐसे साफ सुथरा कर रहे हैं कि ये जो है, जो मर गई हैं चीज़ें, जो सड़ रही हैं चीज़ें, जिसे बहुत टाइम लग रहा है डीके होने में, ये इनको खा लेते हैं और टाइम पीरियड ऑफ डीके को बढ़ा देते, जल्दी कर देते हैं। कि बहुत टाइम तक लाश अगर सड़ रही है किसी एनिमल की, तो वो जल्दी इसका फ्लैश खा लेंगे और वो, और जो ऑर्गेनिज्म है वो जल्दी से डीके हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाउ एनिमल्स ईट फूड। एनिमल्स खाना कैसे खाते हैं? तो एनिमल्स ईटिंग हैबिट्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड इट ईट्स। एनिमल की जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं, खाने की जो हैबिट्स हैं, वो डिपेंड करती है किस बात पे कि वो कैसा खाना खाते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स के बारे में जानते हैं, तो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैव शार्प एंड ब्रॉड बाइटिंग फ्रंट टीथ। मतलब देखो आप, ये बनाए इसका पिक्चर कि सामने के जो इनके दांत होते हैं, पहली बात तो ये शार्प होते हैं, तेज़ होते हैं, एंड ब्रॉड बाइटिंग, ब्रॉड का मतलब थोड़े से चौड़े होते हैं, ब्रॉड बाइटिंग फ्रंट टीथ, थोड़े चौड़े टीथ होते हैं सामने के, मतलब शार्प होते हैं, पैने होते हैं, तेज़ धार वाले होते हैं और थोड़े चौड़े होते हैं। विच हेल्प देम टू बाइट ग्रास एंड लीव्स ईजीली। देखिए, जो घास होती है और जो पत्तियाँ होती हैं, बेसिकली ये सेलुलोज की बनी होती हैं। सेलुलोज को ऐसे समझ लीजिए कि आप एक संतरा ले लीजिए या मौसमी ले लीजिए और आप उसको जब छीलेंगे, अंदर करें, उसका छिलका उतार के जब खाने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल लंबे लंबे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर उसके अंदर हैं। तो ये जो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर, इनको हम सेलुलोज कहते हैं। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि ग्रास और लीव्स, ये भी सेलुलोज से ही बनी होती हैं, और सेलुलोज को चबा पाना, सेलुलोज को छोटे छोटे पार्ट्स में ग्राइंड करना, तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये इसीलिए, क्योंकि प्लांट ईटिंग एनिमल्स जो हैं, ये घास खाते हैं और हरी चीज़ें खाते हैं, और हरी चीज़ें सेल्यूलोज से बनी होती हैं, इसीलिए इन एनिमल्स की जो टीथ होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं और साथ में ब्रॉड बाइटिंग होते हैं, ताकि ये आराम से खा सकें किन चीज़ों को, ग्रास एंड लीव्स चीज़ों जैसी चीज़ों को। ठीक है, दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ टू च्यू द फूड प्रॉपरली। देखिए, इनके पास ना केवल सामने के दांत होते हैं जो शार्प और ब्रॉड होते हैं, बल्कि इनके पास चपटे ग्राइंडिंग टीथ भी होते हैं, ताकि यह खाने को खाकर और बाद में उसे आराम से चबा सकें। और चबाएं भी कैसे, बहुत ही प्रॉपरली चबाएं, ताकि फूड एकदम अच्छी तरीके से पिस जाए या ग्राइंड हो जाए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, एक्स्ट्रा माइल पे आ जाते हैं कि मोस्ट ऑफ द मंकीज आर हर्बीवोरस बट मैनी ऑफ देम आर ओमनिवोरस। देखिए, मंकीज के लिए एक नॉर्मल धारणा बनी हुई है, हम ये मानते हैं कि जो मंकीज होते हैं ना, वो हर्बीवोरस होते हैं, मतलब वो हरी चीज़ें ही खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, लीव्स खाते हैं, ग्रास खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ जो मंकीज होते हैं वो ओमनिवोरस भी होते हैं। ओमनिवोरस का मतलब है कि वो दोनों चीज़ें खा सकते हैं, वो प्लांट ईटर्स भी हो सकते हैं और साथ में एनिमल फ्लैश ईटर्स भी हो सकते हैं। दे ईट फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीव्स, इंसेक्ट्स एंड स्मॉल बर्ड्स। ठीक है, ये क्या क्या खा सकते हैं? देखिए, ये खा सकते हैं फ्रूट्स, खा सकते हैं, भाई पेड़ों पे रहते हैं और पेड़ों पे ही फल लगे हैं, तो पेड़ की तो सारी चीज़ें खाएंगे ही, फ्रूट्स खाएंगे, लीफ खाएंगे, फ्लावर्स खाएंगे, लेकिन साथ में ये छोटे छोटे इंसेक्ट भी पकड़ के खाते हैं और स्मॉल बर्ड्स भी खा सकते हैं, लेकिन सारे मंकी नहीं खाते हैं, ओनली सम ऑफ देम ईट स्मॉल बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, इसके बाद आइए कर्ड च्यूइंग एनिमल्स और र्यूमिनेंट्स।
तो हम ये बात कर रहे हैं कि कर्चुइंग एनिमल्स क्या होते हैं और र्यूमिनेंट्स क्या होते हैं। र्यूमिनेंट्स, ठीक है, र्यूमिनेंट्स पूरा नाम अच्छे से लीजिएगा, आपका प्रोनंसिएशन भी क्लियर होना चाहिए। तो र्यूमिनेंट्स फर्स्ट स्वॉलो द प्लांट पार्ट क्विकली, मतलब र्यूमिनेंट एनिमल पहले ऐसे समझ लीजिए, आप काऊ का एग्जाम्पल ले लीजिए, काऊ इज बेसिकली अ र्यूमिनेंट एनिमल। ठीक, तो र्यूमिनेंट एनिमल करता क्या है, ये क्या करता है, गप 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 जल्दी जल्दी सारा खाना खा लेता है। ठीक है, एक बार में इसने सारा खाना लिया और गटागट, जो सॉलो कहते हैं ना, गपा गप खाना, इस तरीके से पहले वो खा लेता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, लेटर ऑन दे ब्रिंग द फूड बैक इन टू देयर माउथ टू च्यू इट प्रॉपरली एंड सॉलो इट अगेन। भाई आपने देखा होगा कि गाय गपा गप खा लेती है, उसके बाद वो आराम से कोना पकड़ के बैठ जाती है और फिर धीरे धीरे अपने मुंह उसका चलता रहता है, जिसको हम कहते हैं ना जुगाली करना, वो धीरे धीरे अपनी जुबान बाहर निकाल के बार 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 पूरा मुंह हिला हिला के, हिला हिला के दांत को आगे पीछे कर करके खाना चबाती है। तो बेसिकली ये कैसे करती करती है गाय, ये है इसमें टेक्निक गाय की, ये है कि एक बार जब उसने खाना खा लिया तो उसके स्टमक में पहुंच गया, कौन से वाले स्टमक में, एक उसके पास फॉल्स स्टमक होता है, वहां पहुंच गया। ठीक है, अब जब गाय बैठी फुर्सत से, और फुर्सत से बैठ के वो क्या करती है कि स्टमक से वापस खाना मुंह में लाती है। ठीक, मुंह में जब खाना आया, अब इसके पास जब जो खाना आया है उसको वो प्रॉपरली च्यू करेगी, प्रॉपरली चबाएगी। प्रॉपरली का मतलब है बड़े आराम से देर तक चबाएगी, ताकि खाने के बहुत छोटे छोटे पीसेस हो जाएं और वो आराम से डाइजेस्ट हो सके। ठीक, अब जब खाना आराम से च्यू हो चुका है, तब जाके वह दोबारा उसे अंदर गटकेगी और इस टाइम पे वो ट्रू स्टमक पे जाता है। आई बात समझे, मतलब जो रिमिनेंट एनिमल्स होते हैं इनके पास चार तरह के स्टमक्स होते हैं, मतलब ये कहना चाहिए कि स्टमक के चार पार्ट होते हैं। ठीक, तो हम नॉर्मली भाषा में एक को फॉल्स स्टमक, एक को ट्रू स्टमक, ट्रू स्टमक मतलब रूमिनेंट, ट्रू स्टमक का नाम होता है रूमिनेंट। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि पहले खाना गपा गप खा के एक गलत, एक फॉल्स स्टमक में रख लिया, और फिर जब बैठे तो उसी खाने को दोबारा पेट से मुंह में लाए और फिर चबाया चबाया चबाया, इतना चबाया कि वो इजीली अब डाइजेस्टेबल हो गया, तब जाके उसको रूमिनेंट या फिर ट्रू स्टमक में डाल दिया। जब खाना ट्रू स्टमक में पहुंच गया तब फिर उसका डाइजेशन शुरू होता है, जब खाना फॉल्स स्टमक में होता है तो उसका डाइजेशन नहीं होता है। आई बात समझ में, तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये है काउस की प्रॉपर्टी, या फिर हम जिसको बोलते हैं च्यूइंग द कर्ड। ठीक है, तो इस तरह के जो एनिमल्स हैं ये वाली प्रॉपर्टी अपनाते हैं और इसी को बोलते हैं च्यूइंग द कर्ड। नाउ काउस, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझा रही हूँ। हाँ, तो देखिए, दिस इज कॉल्ड च्यूइंग च्यूइंग द कर्ड। च्यूइंग द कर्ड आप समझ सकते हो कि क्या चीज़ होती है। फिर आगे देखते हैं, काउस, बफेलो, शीप, कैमल एंड जिराफ आर रिमिनेंट। तो कौन कौन रिमिनेंट होता है भाई, तो रिमिनेंट होते हैं कौन कौन, हम यहाँ देख लेते हैं कि रिमिनेंट किस किस को कहते हैं। तो रिमिनेंट है आपके काउस, फिर हैं आपके बफेलोस, शीप, कैमल, जिराफ आर रिमिनेंट्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको कौन कौन रिमिनेंट होता है। तो रिमिनेंट के आपको एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे। ठीक, तो रिमिनेंट कौन कौन से हो गए, रिमिनेंट हो गए आपके काउस, बफेलो, शीप, कैमल, जिराफ आर रिमिनेंट। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा दिया है गैनिंग। हाँ, गाविंग एनिमल्स, तो गाविंग एनिमल्स के बारे में कहते हैं कि गाविंग एनिमल्स लाइक रैट्स, रैबिट्स एंड स्क्वेरल्स हैव वेरी शार्प लॉन्ग फ्रंट टीथ टू बाइट इन टू सीड्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। दे बाइट देयर फूड रिपीटेडली विद फ्रंट टीथ। जो कैनोइंग टीथ एनिमल्स होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है चूहे, रैबिट्स और स्क्वेरल, इनके आपने सामने के दांत देखे होंगे, ये बहुत ही शार्प होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि शार्प टीथ होने की वजह से सीड्स, जैसे सीड्स कितने कठोर होते हैं, जो जो बीज होते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे चने का ले लीजिए, फलों के ले लीजिए, कितने हार्ड होते हैं ना, फ्रूट्स के हैं कितने हार्ड होते हैं, लेकिन गैनोइंग एनिमल्स इनको आराम से खा सकते हैं, इनके पास फ्रंट
फ्रंट टीथ होते हैं जो बहुत ही शार्प होते हैं, और ये क्या करते हैं कि इन फ्रंट टीथ से धीरे धीरे कुतरते हैं खाने की चीज़ों को, धीरे धीरे बहुत ही छोटे छोटे बाइट से उन्हें कुतरते हैं, और कुतरने की वजह से क्या होता है कि जो जो सीड जब खा रहे हैं वो आधा हो जाता है और धीरे धीरे पूरा का पूरा पेट के अंदर ऑर्गेनिज्म के चला जाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं कि एलिफेंट्स के बारे में बात करें कि एलिफेंट्स हैव लार्ज ट्रंक विच हेल्प देम टू ईट प्लांट्स एंड ड्रिंक वाटर। भाई आपने एलिफेंट्स की इस ट्रंक के बारे में, इस सूंड के बारे में तो सुना ही होगा, है ना। तो ये जो सूंड होती है, ट्रंक, ये हेल्प करती है किस चीज़ के लिए, ईट प्लांट्स, प्लांट्स को खाने के लिए और साथ में पानी को पीने के लिए। दे यूज देयर ट्रंक टू स्प्रे वाटर लाइक अ फाउंटेन इन टू देयर माउथ टू ड्रिंक वाटर एंड ओवर देयर बॉडीज टू बाथ। ये जो ट्रंक है, ये जो सूंड आप देख रहे हैं, ये बहुत सारे काम करती है। ना सिर्फ ये खाने और पानी का काम करती है, मतलब ये एक तरीके से एनिमल के एक अलग तरीके के हाथ हो गए, एलिफेंट के हाथ हो गए। हर काम इसी हाथ से करना है, कि नहाना भी है तो सूंड में पानी भर लिया और अपने ऊपर डाल दिया, ठीक है। अगर अगर कुछ खाना भी है तो इसी सूंड को से पकड़ा और सीधा मुँह में डाल लिया, है ना। तो इस तरीके से एलिफेंट अपने ट्रंक का यूज़ करते हैं और पानी और खाना अपने मुंह तक पहुंचाते हैं। इसके बाद बात करते हैं जिराफ की। तो जिराफ हैव लॉन्ग नेक विच हेल्प देम टू ईट फ्रॉम हायर ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। देखिए जिराफ जो है बड़ा सीधा जानवर माना गया है, और जिराफ के लिए कहा जाता है कि इसकी जो इतनी लॉन्ग नेक है, ये वाली जो गर्दन है इतनी लंबी, ये पहले इतनी लंबी थी नहीं, लेकिन इतना सीधा जानवर था कि दूसरे जानवर उसको खाने ही नहीं देते थे, ठीक है। दूसरे जानवर नीचे की सारी पत्तियाँ खा लेते थे। तो इसने अपनी बॉडी को अडेप्ट किया है और धीरे धीरे ऊपर 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 और पेड़ों के और ऊपर तक जाके, मतलब गर्दन और ऊँची करके इसने खाना शुरू किया, और इस तरीके से इसकी गर्दन इतनी लंबी हो गई है कि अब ये बहुत ऊंचे पेड़ों को की पत्तियों को भी आराम से खा सकता है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि जिराफ की ईटिंग हैबिट्स क्या हैं। उसके बाद आ जाइए फ्लैश ईटिंग एनिमल्स के बारे में, कि वो एनिमल्स जो जानवर खाते हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोरस हैव वेरी शार्प एंड पॉइंटेड टीथ विच हेल्प इन टियरिंग फ्लैश ऑफ देयर प्रे। ये देखिए, ये बिल्कुल सामने का कितना पैना दांत बना हुआ है, आप देख रहे हैं, ये जो दांत है ठीक यही काम करता है चीरने फाड़ने का, किसको, फ्लैश को, मीट को, ठीक है। तो जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, इनके दांत वैसे तो बहुत शार्प होते हैं। ये सामने के जो दांत हैं, ये वाले छोटे वाले, ये बहुत शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं, और ये फ्लैश को फाड़ने चीरने के काम करते हैं। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ्स। अब इनके पास ये नहीं कि सिर्फ सामने के शार्प कटिंग टीथ्स हैं, इनके पास पीछे वाले दाढ़, जिसको कहते हैं ना ग्राइंडिंग टीथ्स को दाढ़ कहते हैं, तो ग्राइंडिंग टीथ्स भी हैं एट द बैक टू च्यू मीट एंड बोन्स। और ये किस लिए हैं, ये हैं पीछे की जो दाढ़ है वो इसलिए है ताकि मीट को चबा सकें। चू मीट लिखा हुआ है, मतलब मीट को चबा सके और हड्डियों को कचर 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 करके खा सकें। ओके चिल्ड्रन, तो इतना आप समझ चुके हैं। उसके बाद देखिए, ये ऑड वन आउट दे रखा हुआ है, इसको आप खुद करें प्लीज़, ताकि आपको आपकी नॉलेज भी चेक हो जाए, और जो नहीं आए आपको क्वेश्चन वो आप हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके चलिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एनिमल्स दैट सॉलो होल फूड। देखिए कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास दांत होते हैं तो वो आराम से बैठ के फुर्सत से चबा भी सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास दांत वांत नहीं होते हैं, वो सीधा गप करके पूरी एक ही बार में ऑर्गेनिज्म को अंदर कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से होते हैं देख लीजिए। तो सम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, स्नेक्स, लिजर्ड एंड कैमेलियंस हैव नो टीथ। आप याद कर लीजिए इस बात को कि फ्रॉग के पास दांत नहीं होते, स्नेक के पास नहीं होते, लिजर्ड के पास नहीं होता, और कैमेलियंस के पास भी नहीं होता। क्या नहीं होता, दांत नहीं होते, ठीक है। दे डोंट हैव टीथ, दे सॉलो देयर फूड एज होल। यह अपना खाना आप या गप करके एक ही बार में
अंदर कर लेते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद हम यहाँ पर एन एक्स्ट्रा माइल पढ़ेंगे। एन एक्स्ट्रा माइल में कई बार ऐसी चीज़ें पता चल जाती हैं जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होती, इसीलिए इसको ज़रूर पढ़ा करें। तो फ्रॉग्स एंड कैमेलियंस हैव लॉन्ग एंड स्टिकी टंग विद विच दे कैच एंड होल्ड देयर प्रे। आपने देखा होगा कि जो मेंढक होते हैं और साथ में जो कैमेलियंस हैं, इनके पास एक बहुत ही लंबी और स्टिकी सी क्या होती है, ज़बान। फट से मुंह खोल के वो बाहर आती है और किसको पकड़ लेती है, अपने शिकार को, दबोच ली और अंदर, ठीक, कहाँ अंदर, मुंह के अंदर दोबारा बंद। तो ये काम कौन करता है, फ्रॉग्स एंड कैमेलियंस करते हैं। क्यों, कैसे कर पाते हैं, कि इनके पास एक बहुत ही लंबी और स्टिकी क्या होती है, ज़बान होती है, जिससे कि ये अपने प्रे को पकड़ लेते हैं, अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। और स्टिकी होती है तो भाई शिकार छटपटा के रह जाता है, अलग हो भी नहीं पाता है, और जब तक शिकार समझे कि मैं शिकार हो चुका हूँ, तब तक वो दोबारा मुंह के अंदर पहुँच जाती है, ठीक। उसके बाद देखिए, स्नेक्स लाइक पाइथन कैन इवन सोलो बिग एनिमल्स लाइक डियर। देखिए, बड़े जो स्नेक्स होते हैं जिसको पाइथन कहते हैं, बहुत बड़े स्नेक्स होते हैं, जैसे वो आपने पिक्चर देखी होगी एनाकोंडा वगैरह, समझ लीजिए उससे थोड़े छोटे लेकिन होते बहुत बड़े हैं। तो पाइथन जो है ना, ये पूरा एक एनिमल एक बार में खा सकते हैं। और कौन सा छोटा मोटा एनिमल, नहीं, डियर। भाई डियर अच्छे बकरी से थोड़ा बड़ा होता है, और बकरी से बड़े एनिमल को ये एक ही बार में गपागप कर सकते हैं। सोचिए, इसको सोच के देखिए कि कैसे एक नॉर्मल सा दिखने वाला ऑर्गेनिज्म इतने बड़े को फॉलो कर सकता है, एक बार में गप कर लेता होगा, और फिर डाइजेस्ट कैसे करता होगा, है ना। ये भी एक बात है कि चलो किसी तरीके से तुमने एडजस्ट कर लिया पेट में, लेकिन अब तुम उसके पार्ट्स को तोड़ के खाओगे कैसे, है ना, तोड़ के एडजस्ट कैसे करोगे, एब्जॉर्ब कैसे करोगे बॉडी में, बड़ी बात है ये, है ना। इसके बाद आइए देखते हैं, एनिमल्स ईटिंग लिक्विड फूड। तो हम उन एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि क्या खाते हैं, लिक्विड फूड खाते हैं, है ना। तो लिक्विड फूड क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि लिक्विड फूड किसको कहते हैं। तो भाई, सम इंसेक्ट्स लाइक हनी बीज एंड मॉस्किटोज एंड बटरफ्लाइज सर्वाइव ऑन लिक्विड डाइट। भाई, मॉस्किटो का नाम आते ही आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करने जा रही हूँ, है ना, कि मॉस्किटो किस पे निर्भर है। मॉस्किटो मतलब देखिए, बेसिकली जो मॉस्किटोज होते हैं उसमें सारे मॉस्किटो खून नहीं पीते हैं, है ना, उसमें कुछ ही मॉस्किटोज होते हैं जो खून पीते हैं, और वो भी फीमेल्स होते हैं। जो मेल मॉस्किटो होते हैं, दे बेसिकली डिपेंड ऑन द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, ठीक। तो ये ज़्यादातर फूलों के जो नेक्टर होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। चलिए इसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर और समझ में आ जाएगा कि सम इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट जो कि जैसे कि हनी बीज, देखिए ये डायग्राम बना है हनी बी का, जिसको अपन बरैया ततैया भी कहते हैं। तो ये हनी बीज जो हैं, मॉस्किटोज और बटरफ्लाई जो हैं, ये किस पे, लिक्विड डाइट पे डिपेंड करती है। लिक्विड डाइट का मतलब ये कभी रोटी चावल दाल नहीं खाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बहुत ही महीन से लिक्विड चीज़ें पीती हैं, खाती कुछ नहीं है, पीती हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव टीथ टू च्यू फूड, इनके पास जो है चबाने वाले दांत नहीं होते। इंस्टेड दे हैव लॉन्ग ट्यूब लाइक टंग टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। जबकि इनके पास, देखिए इनके पास चबाने वाला कोई साधन नहीं है, इनके पास मुंह में एक बड़ी लंबी सी टंग होती है, मतलब ये कहना चाहिए कि एक पाइप टाइप का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या फूलों के अंदर चुभाते हैं, और चुभा कर ऐसे सक करते हैं। सक का मतलब अपनी तरफ खींचना, जोर से जैसे खींचते हैं, तो जितना भी रस फूलों के पास है वो उनके मुंह में चला जाता है। और इसी तरीके से मच्छर भी हमारे स्किन पे बैठते हैं, और उनके पास भी एक पतला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको वो हमारे स्किन के अंदर गड़ाते हैं, तभी हमें लगता है कि मच्छर ने काटा। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हमारा ब्लड वो सक करना शुरू करते हैं, और जब काफ़ी देर हो जाती है सक करते रहते हैं तो हमें महसूस होता है कि कहीं कहीं थोड़ा तेज सा दर्द हो रहा है। जब हम देखते हैं तो उस जगह पर मच्छर बैठा हुआ है, फिर बहुत गुस्सा आती है, ऐसे मार डालते हैं, है ना, ऐसे ही होता है। तो खैर, ये चीज़ मच्छर ही नहीं, साथ में ये लीचेस के साथ भी होता है। लीचेस भी हमारी बॉडी पे चिपक जाती हैं, और एनिमल्स की बॉडी पे भी चिपकती हैं, और दे सक द ब्लड्स, ठीक है। उसके बाद देखिए, लीचेस हैव hundreds of tiny sharp teeth to cut through the skins of animals. लीच के पास बहुत ही छोटे hundreds, देखिए क्या लिखा है, सौ के जैसे
100 के बराबर बहुत ही महीन टीथ होते हैं, जिससे कि वो एनिमल्स की स्ट्रॉन्ग टीथ, एनिमल की जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्किन होती है उसको भी कट करके और उसमें से भी ब्लड सक कर लेती है। दे स्टिक टू देयर बॉडीज ऑफ एनिमल टू सक देयर ब्लड। ये क्या करती हैं, ये एनिमल्स की बॉडी पर चिपक जाती हैं, क्या चिपक जाती हैं, और चिपकने के बाद क्या करती हैं, उसके बाद तो भाई फिर ऊपर वाला ही बचाए कि दे स्टिक टू द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, चिपक गई एनिमल की बॉडी से और फिर सक देयर ब्लड, अब ब्लड को पी लिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, कि पेट एनिमल्स किसको कहते हैं और डोमेस्टिक एनिमल्स किसको कहते हैं। वी मस्ट गिव इनफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशियस फूड टू आवर डोमेस्टिक एनिमल्स एज दे डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर अस। हमें अपने जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जिनको हमने रखा है अपने घर पे, पालते हैं हम, जिनसे हमें कुछ ना कुछ हासिल होता है, कुछ ना कुछ चीज़ मिलती है, उनको हमें न्यूट्रिशियस फूड देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए न्यूट्रिशियस फूड का मतलब सब तरह के न्यूट्रिएंट प्रॉपर डाइट में उन्हें मिलना चाहिए। दे नीड एनर्जी टू डू फिजिकल लेबर। भाई क्यों मिलना चाहिए उन्हें न्यूट्रिशन, उन्हें न्यूट्रिशन इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए बहुत सारे फिजिकल मेहनत करते हैं, फिजिकल लेबर, जैसे कि गाय बैल होती हैं आप देखो, उन्हें खेतों में चलाया जाता है, खेतों में वो इतनी धूप में पूरे खेत में चल चल के खेत जोतने का काम करते हैं। डॉग्स को भी पूरी रात पूरे दिन रखवालियों के लिए छोड़ दिया जाता है, कभी ऊपर कूद रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, तो इसको जो फिजिकली मेहनत करना जो होता है ना, अपने शरीर की जो ताकत लगानी होती है, उसको फिजिकल लेबर कहते हैं। अब ये फिजिकल लेबर कोई भी ऑर्गेनिज्म तभी कर पाएगा जब जबकि उसके पास एनर्जी होगी, और एनर्जी तो आप जानते हैं कहाँ से आती है, एनर्जी तो भाई बिना खाने के नहीं आती है ना, तो इसीलिए हमें अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को क्या न्यूट्रिशियस फूड अच्छी तरीके से देना चाहिए। दे नीड एनर्जी टू डू फिजिकल लेबर। उसके बाद देखते हैं अदर देन फीडिंग आवर डोमेस्टिक एनिमल्स विथ ग्रास एंड लीव, वी शुड ऑल्सो सर्व देम राइस, ग्रेन्स, बार्ले, कॉर्न, ओट एंड ऑयल सीड केक्स। ये देखिए ये जितनी चीज़ें लिखी हैं ना, ये इंसानों के लिए भी सबसे अच्छी होती है, ये ह्यूमंस के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। ठीक, और ह्यूमंस को भी दिन भर काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से डोमेस्टिक एनिमल भी दिन भर लगा रहता है। ठीक, तो उसको भी वही चीज़ें चाहिए जो कि एनर्जी प्रोवाइड कर सके, जैसे चावल हो गया, दाने हैं, ग्रेन्स मतलब चने हुए, चना, मूंग, मसूर और बार्ले हो गए, और कॉर्न्स हैं, मकई है, ओट है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये जब एनिमल के पेट में जाएंगी तो उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देंगी, जिससे कि उसके पास, एनिमल्स के पास काफ़ी हिम्मत आ जाएगी, ताकत आ जाएगी आगे के दिनों में मेहनत करने के लिए। ठीक है, फिर सच फूड प्रोवाइड्स देम एनर्जी टू डू वर्क। ये फूड क्या करता है, ये फूड इन्हें एनर्जी देता है ताकि वो आगे काम में और ज़्यादा मेहनत से काम कर सके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट में क्या है। सच फूड प्रोवाइड देम एनर्जी टू डू वर्क एंड स्टे हेल्दी। देखिए एनर्जी काम करने के लिए भी चाहिए और हेल्दी बने रहने के लिए भी चाहिए, कि आप बार बार बीमार ना पड़े। अगर आप अच्छी तरीके से न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेते हैं, न्यूट्रिशियस फूड का मतलब वो खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, विटामिन हो, मिनरल हो, अगर आप ऐसा फूड नहीं लेते हैं तो आपकी बॉडी में किसी न किसी प्रकार की कमी उत्पन्न हो जाएगी और आप बीमार पड़ सकते हो। इसीलिए चाहे आपका डोमेस्टिक एनिमल हो, चाहे आप खुद हो, आपको हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए। अलॉन्ग विथ फूड वी मस्ट गिव देम वाटर इन क्लीन वेसल। हमको उन्हें साफ़ बर्तनों में पानी देना चाहिए एंड क्लीन देयर शेल्टर रेगुलरली। भाई ये तो वही है ना जैसे हम अपने घरों में कैसे रहते हैं, हम अपने घरों में साफ़ पानी पीते हैं, हम अपने घरों को साफ़ रखते हैं ताकि हमें बीमारियों से, कीटाणुओं से हम बच सकें, जर्म से हम बच सकें, बस इसी तरीके से हम डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ भी हमें करना चाहिए कि हमें उन्हें किसी और गंदी जगह अगर हम छोड़ देंगे तो वो क्या होंगे, वो किसी और ऑर्गेनिज्म या किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉन्टैक्ट में आके बीमार पड़ जाएंगे। ठीक, गंदा पानी पियेंगे तो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे।
और वो काम नहीं कर पाएंगे, जैसे कि भाई घूम फिर के नुकसान तो हमारा ही होगा ना। उसके बाद देखिए, वी शुड बी काइंड टू देम एंड टेक गुड केयर ऑफ देयर हेल्थ। हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें उन भाई उनसे हमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत के काम नहीं कराने चाहिए। ये सोचना चाहिए कि जिस तरीके से हमारा शरीर थकता है, हमें भी आराम की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही इन जानवरों का शरीर भी थक गया होगा और इनको भी आराम की ज़रूरत होगी। और जिस तरीके से हम वैरायटी का खाना खाते हैं ताकि हमारी बॉडी हेल्दी बनी रह सके, वैसे ही हमें इन्हें भी वैरायटी ऑफ फूड, वैरायटी का मतलब ये नहीं कि हम चाउमीन बर्गर खिलाएं, मतलब ये है कि न्यूट्रिशियस फूड देना चाहिए ताकि ये हेल्दी बने रह सकें। इसके बाद देखिए फूड चेन, देखिए फूड का मतलब होता है खाना और चेन का मतलब तो कड़ियाँ, तो खाने की देखिए ये कड़ियाँ बनी हुई हैं कि कहाँ से कहाँ तक कौन सी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो अ फूड चेन शोज दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। तो फूड चेन ये बताती है कि हर एक लिविंग दूसरे लिविंग पर डिपेंड करता है, किसके लिए, खाने के रिक्वायरमेंट के लिए। चलिए शुरू करते हैं इस ग्रास से। तो ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास को ग्रास ऑपर खाता है, और ग्रास ऑपर एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, उसको खाता है कौन, इससे थोड़ा, ग्रास ऑपर से थोड़ा बड़ा ऑर्गेनिज्म जो कि है फ्रॉग, ठीक है। और फ्रॉग को कौन खाता है, फ्रॉग से थोड़ा बड़ा ऑर्गेनिज्म जो कि है स्नेक, और स्नेक को कौन खाता है, स्नेक से बड़ा ऑर्गेनिज्म जो कि है वल्चर, ठीक। इस तरीके से वल्चर या ईगल दोनों ही समझ सकते हैं आप। तो इस तरीके से ये फूड चेन कम्प्लीट होती है। तो इट शोज दैट All living things get their food by eating other living things। भाई इस चेन से हमें ये पता चल रहा है कि जब एक को खाएगा दूसरा, और दूसरे को खाएगा तीसरा, और तीसरे को खाएगा चौथा, और चौथे को खाएगा पांचवा, पांचवे को खाएगा छठवा। तो इसी तरीके से ये फूड चेन चलती रहती है, ठीक है। दिस इज़ लाइक अ चेन दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर्म। तो ये एक ऐसी चेन है जो प्लांट्स से शुरू हो रही है और एनिमल्स को फॉर्म कर रही है, और एनिमल्स जब मर जाते हैं, जब वो डीके होने लगते हैं, तो डीके होने के टाइम पे उनकी बॉडी भी कहाँ जाके मिल जाती है, सॉइल में, ठीक। और सॉइल में फिर क्या निकल आता है, प्लांट। तो इसका मतलब ये है कि यह एक चेन है, एक से दूसरे में कनेक्टेड है, ठीक। उसके बाद देखिए इट इज़ कॉल्ड फूड चेन, इसको हम कहते हैं फूड चेन, ठीक है। अ प्लांट इज ऑलवेज एट द बिगनिंग ऑफ फूड चेन। ये याद रखिएगा हमेशा कि जो फूड चेन होती है वो कहाँ शुरू होती है, किस चीज़ से शुरू होती है, उसका फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमेशा प्लांट्स हैं, हमेशा पेड़ पौधे ही हैं, क्योंकि पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, और हर्बीवोरस एनिमल्स जो हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, वो प्लांट्स पर टोटली डिपेंड्स करते हैं, टोटली। और हर्बीवोरस को खाते हैं कार्निवोरस, और कार्निवोरस को कौन खाते हैं, कार्निवोरस जब मर जाते हैं, डेड और डिके हो जाते हैं, तो उनको स्क्रेवेंजर्स खाते हैं, ठीक। और स्क्रेवेंजर्स के बाद जो थोड़ा बहुत फ्लैश बच जाता है मरे हुए ऑर्गेनिज्म का, तो वो फिर ज़मीन में मिट्टी में मिल जाता है, और उसके बाद वहीं पर ही क्या उगाता है, दोबारा न्यू प्लांट्स उगाते हैं। तो बेसिकली ये एक चेन है, ठीक है। तो थस ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स। तो सारे के सारे एनिमल्स किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे। देखिए ग्रेन्स, ग्रेन्स कौन खा रही है, मुर्गी, और मुर्गी को कौन खा गया, फॉक्स। तो ये क्या है, और ग्रेन्स आए कहाँ से हैं, पहली बात तो ये कि ग्रेन्स कहाँ से हैं, तो ग्रेन्स आए प्लांट्स से। तो हर एक फूड चेन का सबसे पहला स्टेप होता है प्लांट्स, ठीक। और ये घूम फिर के फिर प्लांट्स तक ही आ जाता है, इसीलिए ये एक चेन है। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको मैंने जितना भी पढ़ाया है वो सब समझ में आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉन अकेडमी चैनल, और आई वुड लाइक यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव अ थम्स अप फॉर मी, ठीक। ओके, बाय चिल्ड्रन।